हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माहेश्वरी इंस्टीट्यूट। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। और आज ही के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है या डायपोल्स क्या होते हैं। हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन इज एक्टिंग। हमारे पास 2.25 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है ऑन चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकुलम। जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 माइक्रोकुलम। और हमको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 2.25 न्यूटन। तो न्यूटन इज एन SI यूनिट। और हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 माइक्रोकुलम। तो जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है उसको भी हम SI यूनिट में लिखेंगे। तो SI यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। तो यह आ जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा कूलम। हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स बाय चार्ज। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2.25 और यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अगर हम 15 से इसको काट देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.15। जैसे 15 से 225 होता है वैसे यहाँ पे 0.2 आगे लगा है तो 2 पॉइंट आगे लगा देंगे। और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस हमें दिया हुआ है Q1 एंड Q2। ये एक दूसरे से 0.1 मीटर अपार्ट हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 0.1 मीटर। और अगर हम इसके सेंटर से देखें तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 0.05 और यहाँ से भी डिस्टेंस हो जाएगी 0.05। हमको यहाँ पे ये जो सेंटर O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास ओ पॉइंट पे जो ए वाला चार्ज है वो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आपका बी पॉइंट पे चार्ज है वो माइनस में है तो ये वाला चार्ज यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ए वाले की और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बी वाले की वो दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेंगे। ई ए प्लस ई बी या इसको आप ई वन प्लस ई बी भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे? 1/4πε0Q/r² और इसकी वाली वैल्यू क्या है? 1/4πε0Q/r² ये जो ये वाला चार्ज है दैट इज Q1 और ये वाला चार्ज है Q2 या Qa या Qb भी लिख सकते हैं। इसको हमने ऐड इसलिए किया है कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। Q1 की वैल्यू होती है हमारे पास दी हुई है यहाँ पे 10⁻¹⁸। और जो डिस्टेंस है यहाँ से हमारे पास दिया हुआ है 0.05² प्लस ये भी वैसे ही हो जाएगा 9 × 10⁸। क्यू की वैल्यू हमें दी हुई 10⁸। यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिया था, उसका मॉड्यूलस कर दिया है बाद में, इसीलिए मॉड्यूलस से जो माइनस का साइन है वो हट जाता है। और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस की दैट इज 0.05। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 10 नीचे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 0.0025 प्लस 9, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 में से अगर माइनस 8 कर देंगे पावर में से तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0.0025। 9 का इंटू 10 में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 और इसकी पावर अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁴/25 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 90 और इसकी पावर अगर ऊपर जाएगी तो जाएगा 10⁴ और यहाँ बचेगा 25। 25 से अगर 90 काटेंगे 25 से अगर 90 काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 3.6 × 10⁴ एंड 3.6 × 10⁴। दोनों को एड ऑन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7.2 × 10⁴
फोर। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी सेम चार्जेस है, डायग्राम फिर से बना दिया है आपको समझाने के लिए। और ओ पे हमने निकाल लिया था, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट सी। यहाँ पे जो निकालने वाला एंगल है वो है 60, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ एक बात समझ लेते हैं, जो हमारे पास माइनस 10^-8 है, ये इस सी पॉइंट पे फोर्स लगाएगा इवन इंटेंसिटी के साथ, तो ये रिपल्शन का फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं, और एक माइनस एक प्लस है तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। इन दोनों के जो बीच का एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 120 डिग्री। तो इससे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे बाय एडिशन लॉ के थ्रू। तो एडिशन लॉ होता है हमारे पास E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यहाँ पे इससे पहले वाले जब क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब अगर चार्जेस की क्वांटिटी बराबर हो, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है, अगर चार्जेस की क्वांटिटी बराबर है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बराबर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आती है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी OA के लिए, तब आ रही थी 3.6 और 3.6 × 10^4। और इस कंडीशन में भी जब हमने OB के लिए निकाला, तब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि डिस्टेंस बराबर था और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन भले ही अलग था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है जो सी पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, और डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, कितना 0.1। तो हमारे पास इस कंडीशन से जो E1 की वैल्यू है वो E2 की वैल्यू के बराबर आ जाती है। तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 E1, और यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना है? cos 120 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 E1, ये आ जाएगा हमारे पास E1 का स्क्वायर, और cos 180 की वैल्यू होती है हमारे cos 120 की वैल्यू होती है हमारे पास -1/2। इससे कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर। माइनस E1 से प्लस E1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा E1 का स्क्वायर, E1 स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी E1। तो हम E1 के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 के बराबर आएगा, तो हम E1 के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E1 के लिए अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9×10^9। हमारे पास जो Q1 चार्ज दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? या आप कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वैल्यू है हमारे पास 10^-8। और अब जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों के बीच का, वो दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 0.1, और इसका हम लगा देंगे स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9, यहाँ 10^9 है, यहाँ 10^-8 है, तो हमारे पास कुल मिला के वैल्यू कितनी बचेगी? 10^1। और यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगेगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.01, 9×10^10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 10^2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9×10^3। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू चार्जेस ऑफ क्यू ए दिया हुआ है 3 μC और क्यू बी हमें दिया हुआ है -3 μC आर लोकेटेड एट, इनकी बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 20 cm अपार्ट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB। AB पे जो लाइन ज्वाइन हुआ है उसके बीच का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मतलब एक चार्ज हमारा A पे रखा हुआ है, दैट इज 3×10^-6 coulomb, और दूसरा वाला दिया हुआ है -3×10^-6 coulomb। ये -6 समझ गए होंगे, ये माइक्रो का आया हुआ है। यहाँ पे जिन लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा वो वीडियो पॉज करके अपना क्वेश्चन खुद से करके देखें, नहीं बनेगा तो फिर देख लीजिएगा। इसमें अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
निकालनी है। तो अगर हम ए से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसको रिपेल कर रहा है, और जो आपका बी वाला पॉइंट है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपके पास अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब ई वन को हम जोड़ देंगे ई टू के साथ, तो इसका आप मॉडुलस लगा दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर आ जाएगा ई वन प्लस ई टू, जब दो चार्जेस अपोजिट होते हैं तब। लेकिन मान लीजिए अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, इसके लिए भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम यही वाला, पहले इसको निकाल लेते हैं। ई वन की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r2, यहाँ पे Q1 लगाना है तो Q1 लगा लीजिए, और 1/4πε0 Q2/r2, तो ये आ जाएगा 9×10⁻¹। Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है 3×10⁻¹⁶, और इन दोनों के बीच का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, तो टोटल डिस्टेंस हमें 20 दिया हुआ है। अगर हम सेंटर पे निकाल रहे हैं तो हमें हमारे पास डिस्टेंस बचेगा 10 सेंटीमीटर, इस 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻¹⁰ मीटर, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे डिस्टेंस की जगह पे लिख सकते हैं 10⁻¹⁰ का स्क्वायर प्लस 9×10⁻¹⁹ × 3×10⁻¹⁶, और यहाँ आ जाएगा 10⁻¹⁰ का स्क्वायर, 9×3=27। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³, और नीचे वाले को करेंगे तो आ जाएगा 10⁻², ये आ जाएगा 9×3=27, यहाँ आ जाएगा 10⁻³, और यहाँ आ जाएगा 10⁻², यहाँ आ जाएगा 27×10⁵ प्लस 27×10⁵, 27 हमारे पास आ जाएगा 54×10⁵, ये हमारे पास आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब। सेम क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर दोनों के चार्जेस हमारे पास +3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे एक चार्ज जो था वो -3 माइक्रोकूलम था, यहाँ पे दोनों ही चार्ज हमारे पास 3 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास चार्जेस पॉजिटिव होते हैं तो वैल्यू रिपल करती है, तो ए पॉइंट पे से अगर चार्ज लगेगा, फोर्स लगाएंगे ओ पॉइंट पे, तो ये इसको रिपल करेगा, बी पॉइंट से भी ये इसको रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 दोनों ही एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E1, और उसमें से हम माइनस कर देंगे E2 को, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तब हम उन दोनों ही वैल्यू को प्लस कर देते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन में तो दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड जा रहा था, इसीलिए हमने E1 और E2 को जोड़ दिया था। लेकिन इस कंडीशन में दोनों ही जगह पे डायरेक्शन अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए हम E1 और E2 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम E1 की वैल्यू निकालें, दैट इज 1/4πε0 Q/r2, और यहाँ पे भी जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज -1/4πε0, यहाँ पे Q1 ले लेते हैं, यहाँ पे Q2 चार्ज ले लेते हैं, बाय आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9×10⁹। Q1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3×10⁻¹⁶, और बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10⁻¹⁰, और उसका आ जाएगा स्क्वायर, तो भी आ जाएगा 9×10⁹। क्यू की वैल्यू दी हुई है 3×10⁻¹⁶, और नीचे वैल्यू दी है 10⁻¹⁰। तो एक वैल्यू सेम एज इट इज प्लस की है और सेम एज इट इज वैल्यू माइनस की है, तो ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, उनके बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होती है, लेकिन उसके लिए केस ये है कि दोनों चार्जेस लाइक होने चाहिए और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो जो 0 हो रहा है वो छोटे वाले चार्ज के पास होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज होता 2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज होता 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे जो हमारे पास ज्यादा छोटा चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है और जो बड़ा चार्ज है वो है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू 0 होती वो वैल्यू 0
टू के थोड़े से पास में होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें भी जीरो होती लेकिन वो जो छोटा चार्ज होता है उसके पास में होती है। अगर दोनों चार्जेस बराबर होते हैं तो बिल्कुल मिड में होती है, और अगर एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है तो छोटे वाले चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने के ज्यादा जीरो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पे हमें चार चार्जेस दिए हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 10^-8, 10^-8, 10^-8 और 10^-8। जो स्क्वायर है उसकी सारी डिस्टेंस सेम होती है तो ये आ जाएगा 10, ये भी 10 दिया हुआ है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो अगर हम यहाँ से डायगोनल्स को मिलाएं और यहाँ से ये वाला अगर हम डायगोनल मिलाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ओ। तो इन सारे को अगर नाम दे दें ए बी सी डी, तो हमारे पास ओ ए की डिस्टेंस बराबर है ओ सी की डिस्टेंस से, क्योंकि डायगोनल का मिड है वो, तो जब भी डायगोनल के मिड से निकालेंगे तो दो वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाती है। और यहाँ पे ओ सी बी जो है वो ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है डिस्टेंस। तो अगर हम ओ पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें ओ ए से, तो हमारे पास ई ओ ए, और अगर हम उसको जोड़ दें ई ओ सी के साथ तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर हम ये वेक्टर निकालें तो हमारे पास E इज इक्वल टू ओ ए प्लस E इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो इन दोनों के बीच में इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, तो ये जो आपका ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये O पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिपेल करेगा और ये वाला भी बीच पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो मतलब ई ओ माइनस ओ सी अगर हम करेंगे तब जाके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ओ ए निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना है 10^-8 और डिस्टेंस दिया हुआ है ओ ए का स्क्वायर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम ओ सी डिस्टेंस के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 10^-8 और जो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है वो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें ओ सी, और जो ओ सी है वो ओ ए के बराबर है, तो वैल्यू आ जाएगी ओ ए इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वैल्यू से ये वैल्यू काट दीजिए, बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो हमारे पास सेंटर पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जीरो। सेम सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास एक बार ओ बी से निकालेंगे एक बार ओ डी से निकालेंगे, चार्ज सेम है दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो अगर हम कुल मिला के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज जीरो। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे कि एक चार्ज है क्यू और ये प्लस वाला है और ये वाला माइनस का है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2L। तो हमारे पास ये चार्ज और ये चार्ज हमेशा इक्वल होगा, इक्वल अगर ये चार्ज हमारे पास 10 कूलम का है तो ये चार्ज भी हमारे पास 10 कूलम का होगा, और जो दोनों का चार्ज होगा वो हमेशा अपोजिट होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम होता है इसलिए उसको 2L लिया गया है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डायपोल को शो करते हैं जैसे कि HCl, वाटर, HI, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो डायपोल को शो करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें दैट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक
डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज विथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अभी हमने डायपोल बनाया, डायपोल में किसी भी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव, और उसका प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों के डिस्टेंस के साथ में. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2L. तो Q into 2L is known as dipole moment. और इसी को अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में दिखाना चाहते हैं तो इसको आप वेक्टर क्वांटिटी में दिखा दीजिए. सो अगर हम यहां से इसका डेफिनेशन बनाएं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2QL. तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे यहां से, डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्जेस करंट इनटू टाइम, और यहां पे क्या दिया हुआ है, लेंथ. तो हमारे पास करंट की डायमेंशन फॉर्मूला की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड एल इज लेंथ. तो अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला सही से दिखाएं तो एम एल टी ए. तो यहां पे मास कितना है हमारे पास, जीरो, लेंथ एक है, टाइम एक है और एम्पियर एक दिया हुआ है. नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोड वेरी सून.